हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज का प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, साथ में बैक नेक डिजाइन भी रहेगा। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग है। इसको खोल कर टू फोल्ड करके फोल्डेड भाग अपनी साइड रख लेंगे और स्किन पर आ रहे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कटिंग करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले अपनी लेंथ लेंगे। हमारी लेंथ 14 है फ्रेंड्स। हमने 15 इंच पे एक लाइन ड्रा की है, 1 इंच मार्जिन का प्लस किया है और शोल्डर को हमने 5 इंच लिया है फ्रेंड्स। आर्म होल हम 5.5 इंच लेंगे 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, 2 इंच का मार्जिन लेके हम आर्म होल का शेप देंगे। देखिए, ये बैक पार्ट है फ्रेंड्स, तो हम नॉर्मल साइज के लिए 1/2 इंच बाहर लेके आर्म होल का शेप देते हैं। तो इसमें हमने 1/2 इंच का शेप लिया है बाहर के लिए। और यहाँ से देखिए, अपनी कमर का चौथाई लेंगे। हमारी कमर 28 है फ्रेंड्स, को चौथाई 7 लेंगे और 2 इंच मार्जिन का 1 इंच डाट का लेके हम लाइन को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये डीप नेक है, तो हम डीप नेक में हमेशा 1/2 इंच गले की साइड डाउन करते हैं। इस तरह से सिर्फ डीप नेक में ही करना है इसको। और देखिए, गले की लंबाई हम नीचे की साइड से लेंगे। तो देखिए, 3.5 इंच मैंने लाइन को ड्रा किया है। ब्रॉडनेस अपने अकॉर्डिंग रखी, हमने 3.5 इंच ली है फ्रेंड्स। और ऊपर की गले की ब्रॉडनेस हमने 2 इंच ली है और इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। और देखिए, हम गले का शेप देते हैं फ्रेंड्स, गले को कट नहीं करेंगे, इसको सिलाई करते समय कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने 5 शेप दिया है इस तरह से और इस पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, हमने ओपन साइड अपनी ओर रखा है और सबसे पहले 1/2 इंच हुक आई के लिए ले लेना है यहाँ से, और बैक पार्ट को रख के सेम उसी तरह से उसको उतार लेंगे हम। और देखिए फ्रेंड्स, 1 इंच हम लेंथ में एक्स्ट्रा लेते हैं, आप 1 इंच या 1/2 इंच लें अपने अकॉर्डिंग। और चेस्ट के पास भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जब हमारी प्रिंसेस कटोरी जुड़ती है तो उसमें चला जाता है। और देखिए, हम कमर के पास लेंगे, चेस्ट हमारी 34 है और कमर 28 है फ्रेंड, उसके अंदर हमारा 6 इंच का अंतर आ रहा है। इस तरह से हम 2 इंच की डाट लेंगे, क्योंकि 2 इंच की डाट हमारे पीछे चली जाती है तो 4 इंच बचता है। तो 4 इंच की डाट हम आगे के वाले पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 2-2 इंच करके। तो इस तरह से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिया फ्रेंड्स कमर के पास प्रिंसेस कट का पार्ट काटने के लिए। और देखिए, कट लगा लेते हैं और स्टिच बैक पार्ट को उतार लेंगे पूरा। देखिए इस तरह से, और बैक पार्ट को हटा लेंगे फ्रेंड्स। और देखिए, यहाँ पे हमारे होल पे गहराई दे देंगे 1/2 इंच की। ये हमारा डीप नेक ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसमें शोल्डर कम रहता है तो इसमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी रहती है, सिर्फ 1/2 इंच की गहराई देनी होगी। देखिए, हम निशान लगा लेते हैं आर्म होल की गहराई का। आप चाहे तभी कट कर लें या नहीं तो आप प्रिंसेस कट का पार्ट जोड़ने के बाद कट करें, आपको जैसा कम्फर्ट लगे। और देखिए, हम गले की ब्रॉडनेस 3.5 रखेंगे फ्रेंड नीचे की साइड, और ऊपर हमने 2 लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। और गले का शेप दे देते हैं। अब यहीं से डॉट की लेंथ लेंगे फ्रेंड्स। हम अपने डॉट की लेंथ 10 इंच रखे हैं। और देखिए, डॉट की जो चौड़ाई हमारी होती है वो हम अपने चेस्ट का 10वां लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने 3.4 लिया है और नीचे की साइड हमने 3 इंच लिया है फ्रेंड्स। और इस तरह से देखिए, लाइन को ड्रॉ करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। और देखिए, मैंने जो 2 इंच का मार्जिन लिया था डॉट के लिए, वही वाला हम यहाँ पे डॉट डालने के लिए यूज करेंगे फ्रेंड्स। इससे हमारा कटोरी प्रिंसेस कट का पफ बहुत अच्छा से उठता है। और देखिए, जितनी चौड़ी हमारी डॉट होगी उतनी ही चौड़ी हम एक लाइन खींच लेंगे लंबाई में। और देखिए, इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे फ्रेंड्स। और जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह से शेप दे देते हैं और कट कर लेंगे। और देखिए, कट हम लगा लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमारा कट कट पर बैठे और हमारी कटोरी अच्छे से जॉइंट हो जाए प्रिंसेस कट की। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कट को मिलाते हुए अगर जॉइंट करेंगे तो हमारा कपड़ा कहीं से भी ऊँचा नीचा नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए, हम आर्म होल की गहराई भी कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। और देखिए, हम स्लीव पे लाइनिंग नहीं लगाएंगे, तो हमारे कपड़े पे वर्क है फ्रेंड्स, तो वर्क के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और स्लीव की कटिंग करेंगे। पाइपिंग हमने खोल ली है, देखिए मैंने 4 फोल्ड करके इसको रख लिया है। और यहीं से भी इसकी मार्जिन लेंगे फ्रेंड्स स्लीव की। और देखिए, जहाँ से हमारा एम्ब्रॉयडरी है वहीं से हम इसकी लेंथ लेते हैं। 1/2 इंच ऊपर भी हमने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन का। और जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट का चौथाई हम लेंगे फ्रेंड्स 8.5 इंच, 34 चेस्ट है हमारा। और देखिए, यहाँ पर 2 इंच हम ऊपर की ओर निशान लगा लेते हैं। छोटी स्लीव में हम 2.5 इंच लेते हैं फ्रेंड्स, 3/4 में हमने 3 इंच लिया है इस तरह से।
और शेप दे दिया है। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए स्लीव राउंड हमारा 11 है तो उसका हाफ हम 5.5 इंच में लेंगे और इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे इधर भी और इधर भी, और इस लाइन को भी मिला लेंगे कट करने के लिए। अब इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे हम छोटी बाजू के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव राउंड नाप लेते हैं, कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स कट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और देखिए इसको हम आर्म होल पे गहराई देंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा 1/2 इंच पे। इस तरह से हमने अपने स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसको लाइनिंग पे कट नहीं करना है। अब अपने बाकी के पार्ट को कट कर लेते हैं। तो देखिए कपड़े को टू फोल्ड करके रखेंगे और लाइनिंग के कटे हुए पार्ट को हम इस पे रखेंगे फ्रेंड्स। तो सेम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने हमको रख लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सभी पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड्स गले की। तो देखिए हम गले को फिर से मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारा निशान दूसरी साइड भी उतर जाए। ये देखिए इस तरह से। अगर आप बिगिनर हैं फ्रेंड्स तो आप इसी तरह से डिज़ाइन बनाएं गले की, तो आपकी गले की सिलाई बहुत परफेक्ट आएगी। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली गले की, दोनों साइड गले का निशान उतार लिया है फ्रेंड्स। और देखिए सेंटर पर निशान लगा लेंगे और सेंटर पर कट भी लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा कपड़ा इक्वल आएगा बराबर से। और देखिए इस तरह से रख के लाइनिंग और कपड़े को एक साथ रखेंगे और इस तरह सिलाई कर लेंगे। एक सिलाई हम लाइनिंग के ऊपर और चलाएंगे फ्रेंड्स, इससे हमारी सिलाई बैठ जाती है। और देखिए उल्टी साइड से फिर हम गले की सिलाई करेंगे। इस तरह से इस पर हम पिन लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा सरके ना। ये देखिए कट को कट से मिलाते हुए रखेंगे फ्रेंड्स, इसीलिए कट लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। ये देखिए जो हमने गले की मार्किंग की उसी पर सिलाई कर लेंगे। अब पिन निकाल के गले को कट कर लेते हैं और पूरे गले में कट लगा लेंगे फ्रेंड्स। कट लगाने से हमारी सिलाई बैठ जाती है। देखिए यहाँ से इसको पलट लेते हैं। आप चाहे तो इस पर बकरम भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से हम एक सिलाई गले के ऊपर चलाएंगे ताकि हमारे गले में फिनिशिंग आ जाए, और थोड़ा सा कपड़े को खींचते हुए इस तरह से बैठाएंगे ताकि सिलाई एकदम अच्छे से बैठ जाए। बाकी चारों तरफ हम कच्ची सिलाई डाल देंगे और हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे। और इसको फोल्ड करके हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और देखिए अब हम डार्ट डाल लेते हैं बैक की। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी बो बना लेते हैं। इसके लिए हमने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 10 इंच ली है और लंबाई 5 इंच फ्रेंड्स। इसको फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्किंग कर लेंगे। और देखिए इस मार्किंग पे हम दोनों साइड से कपड़े को ले आएंगे और किनारे पे इसकी सिलाई चला लेंगे फ्रेंड्स दोनों साइड से। और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और कोनों पे कट लगा लेना है इस तरह से। और देखिए ऐसे उसको पलट लेना है। इसकी नोक को हम अच्छी तरह से निकाल के इसकी सिलाई बैठा लेंगे। और देखिए अब सेंटर पे निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। आप चाहे इस तरह से चुनौट देके आप मशीन से सिलाई कर लें और या तो आप हाथ की सुई से चुनौट डाल लें फ्रेंड्स। तो देखिए हम हाथ की सुई से चुनौट डालेंगे तो इस तरह से उसको गुल लेंगे। और देखिए इस तरह से इसको हम खींच करके राउंड करके बांध देंगे फ्रेंड्स 3-4 राउंड घुमा के। इस तरह से हमारी अच्छी सी बो बन गई है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें टाका लगा लेते हैं इस तरह से ताकि अच्छे से बंध जाए।
अब इसकी रिबन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमने ये पट्टी ली है और इसको टू फोल्ड करके इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। कोने की सिलाई थोड़ी तिरछी करनी है इस तरह से। ऊपर के साइड हमको थोड़ा पतला कर देना है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों रिबन को सिल लिया है। अब इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके पलट लेंगे। किसी नुकीली चीज़ से पलटेंगे फ्रेंड्स। देखिए नोक को निकाल के हम इस फिनिशिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इस पे प्रेस चला लें फ्रेंड्स। अच्छे से नोक को निकाल लेंगे। देखो दोनों रिबन को हम इस तरह से रख के ज्वाइंट कर लेंगे मशीन से। और इसके ऊपर अपनी बो रखेंगे, देखिए इस तरह से। इसको भी मशीन से टक कर लेंगे फ्रेंड्स। आप चाहे तो सुई धागे से टक कर लें, लेकिन मशीन से भी आसानी से टक हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम अब इस पर हम एक बटन लगा लेंगे। तो देखिए हम कपड़े की सिंपल से बटन बनाएंगे। आप चाहे कपड़े को ही रैप करके लगा दें फ्रेंड्स, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही बनाएं। देखिए हम बटन को यहाँ पे टक करेंगे सेंटर में। और इसे अच्छी तरह से सिल लेना है फ्रेंड्स, मजबूती के साथ। देखिए इस तरह से हमारी बो बन के कम्प्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम अपने बैक पार्ट पीस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, टाका लगा लेंगे। और फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे डोरी बना लेते हैं अपनी लटकन बनाने के लिए। इस तरह से डोरी को सिल लेना है और एकदम पतली डोरी बनाना है फ्रेंड्स। देखिए मैंने दोनों डोरी सिल ली है। अब इसको हम पलट लेते हैं इसे। इस तरह से मशीन में फंसा के हम डोरी को पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से डोरी पलट जाती है। इसी तरह से दोनों डोरियों को पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने डोरी को पलट लिया। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे, कपड़े की फ्लावर बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमने छह चौकोर पट्टियों को काटा है। और देखिए तिकोना इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से हम डोरी पर रखेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे, देखिए ऊपर से। इस तरह से बराबर करते हुए हम सिलाई करेंगे। और देखिए इसको यहीं से पलट लेना है। तो इस तरह से हम सारे फ्लावर को लगा लेंगे। देखिए मैंने 1 इंच की दूरी रखी है फ्रेंड्स दूसरे फ्लावर की। इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर हम फ्लावर को लगाएंगे और इस तरह से पलट लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक डोरी को कंप्लीट कर लिया, इससे हम दूसरी डोरी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों डोरी को कंप्लीट कर लिया है और हमारी बो और डोरी बनके कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे, उस पर अपने बो को टक करेंगे सेंटर में, देखिए इस तरह से। इस तरह से हमारी वो लग गई है फ्रेंड्स। अब हम डोरी अभी नहीं लगाएंगे, अपना हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए हमने पेंसिल स्कर्ट वाले पार्ट को लिया है और दोनों लाइनिंग और कपड़े को एक दूसरे पर रख के ज्वाइन कर लेंगे, कच्ची सिलाई चला लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया, दोनों को एक साथ रख के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम पेंसिल स्कर्ट के पार्ट को जोड़ेंगे, लाइनिंग और कपड़े को एक पे रख के हम ज्वाइंट कर लेंगे और हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे फ्रेंड्स। दोनों पार्ट को एक पे रख के हमको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है ताकि दोनों इक्वल रहे। अभी देखिए दोनों पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे पिंसेस कट के। अब कट को कट से मिलाते हुए सिलाई करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा दोनों पार्ट इक्वल आएगा। इसमें हमें एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर रख के सिलाई करनी है और सिलाई को डबल कर लेना है। इसी तरह से हमको दूसरा पार्ट भी ज्वाइन कर लेना है फ्रेंड्स। और देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर लेना है जो हमको एक्स्ट्रा दिखे कहीं से। तो देखिए फ्रेंड हम इसको नाप लेते हैं, जितना मैंने इसमें मार्जिन रखा था उसी को कटिंग वाला कपड़ा आया है। देखिए हमने कमर का चौथाई लिया 7 इंच और 2 इंच मार्जिन का फ्रेंड्स, देखिए एकदम परफेक्ट आया है। और इस तरह से हमारी पफ भी कितनी अच्छे से उठी है फ्रेंड्स। दोनों पार्ट को इसी तरह से हम कम्प्लीट कर लेंगे और हम इसमें हुक और आई की पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए जो हमारे गले का कपड़ा निकला था उसी को काट के हम हुक आई की पट्टी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस साइड हमने आई की पट्टी लगाएंगे यानी कपड़े की, इसको नीचे सिर के ऊपर साइड पलटना है। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड और सिलाई चला लेंगे फ्रेंड्स। हमको इसमें किसी भी साइड से फोल्ड नहीं करना है क्योंकि हमको नीचे पट्टी लगानी है और ऊपर हमको पाइपिंग लगानी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आई की पट्टी लगा लेंगे, लाइनिंग वाली पट्टी फ्रेंड्स, जो ऊपर सिर के नीचे पलटेंगे। इसे आप अपने अकॉर्डिंग लगाएं जैसे आपको हुक और बटन लगानी हो। हुक बटन के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे तो कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस पट्टी को हम नीचे की साइड पलटेंगे, कमर पट्टी लगाएंगे इस तरह से। दोनों कमर पट्टी इस तरह से लगा लेनी है। प्रिंसेस कट में कमर पट्टी लगाए फ्रेंड्स तो ही फिनिशिंग अच्छी आती है। अपने स्लीव तैयार करेंगे, ये देखिए हम नाप के जो हमारा फोल्डेड भाग है उतना हम निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स और फिर इसको यहीं से फोल्ड कर लेंगे कट लगा के। और फ्रेंड्स इस पर हम कच्ची सिलाई चलाएंगे हाथ वाली सुई से या फिर पिन लगा लें फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मोती है, इसमें सुई टूटने का डर है। तो इस तरह से हम पिन लगा लेंगे और इस पर पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से, हमारी रेडीमेड पाइपिंग है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ब्लाउज की स्लीव में मोती लगा हुआ है, तो यहाँ पे मशीन को धीरे चलानी है नहीं तो मशीन की सुई टूटने का डर है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग अच्छे से लगा ली, इस तरह से दूसरी पाइपिंग भी लगा लेंगे फ्रेंड्स। और अपना बैक पार्ट लेंगे, इस पर हम फ्रंट पार्ट को रख के सीधी साइड से शोल्डर ज्वाइन करेंगे फिनिशिंग के साथ, और कहीं से ऊँचा नीचा दिखेगा तो उसको एक्स्ट्रा कट कर लेंगे फ्रेंड्स। और देखिए पलट के हम उल्टी साइड से 1/2 इंच की दूरी पर शोल्डर पर सिलाई चला लेते हैं।
इसमें हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ आती है फ्रेंड, सारी सिलाइयाँ अंदर हो जाती हैं। और देखिए अब हम दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेंगे कहीं से ऊंचा नीचा तो नहीं है, अगर है तो उसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो स्लीव लगाने पे हमारा स्लीव अच्छे से बैठेगा नहीं और हमारी फिटिंग में भी दिक्कत आ सकती है। देखिए इस तरह से अब देखिए हम सेंटर से अपनी स्लीव को ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स आप हमेशा स्लीव को सेंटर से ज्वाइंट करें क्योंकि जब हम फिटिंग लगाते हैं तो स्लीव के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगाते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारे स्लीव में इक्वल नहीं आएगी तो फिटिंग में दिक्कत आ सकती है। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव दोनों साइड इक्वल आएगी अगर हम सेंटर से लगाएंगे तो। अब मोती के पास फ्रेंड मशीन को बहुत धीरे धीरे चलाइएगा। फ्रेंड्स अगर आप बिगनर हैं और सिलाई सीख रहे हैं तो कोई भी कटिंग करने से पहले आप पेपर पे कट करके देख लें, इसके बाद कपड़े पे कट करें। और देखिए हमारा इतना एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट के सेंटर पे निशान लगा लेते हैं और फ्रंट पार्ट को इस तरह से इस पे रख के सीधी साइड से किनारे पे सिलाई चलाएँगे फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम स्लीव के जॉइंट को जॉइंट से मिलाते हुए ऊपर की सिलाई चलाते हैं, इसे हमारी सिलाई अंदर हो जाएगी जो गुम सिलाई होती है। देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, इसी तरह से दूसरी साइड भी कर लेना है। दूसरी साइड बटन पट्टी को थोड़ा आगे रख के करना है फ्रेंड्स। देखिए अब कपड़े को हम पलट लेंगे और उल्टी साइड से हम किनारे पे एक सिलाई चलाएंगे। और देखिए अपनी फिटिंग का नाप लेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी कमर 28 है तो उसका चौथाई हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और चेस्ट 34 फ्रेंड्स का चौथाई 8.5 पे इस निशान लगाएंगे। फिटिंग की लाइन हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए फ्रेंड्स, और स्लीव राउंड 11 का उसके हाफ पे 5.5 पे निशान लगाएंगे। और देखिए हम इस तरह से फिटिंग की लाइन को सीधा कर लेंगे और ये लाइन हमेशा हमारी सीधी ही आनी चाहिए फ्रेंड्स, इससे हमारी ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आती है। 2-3 सिलाई चला लेंगे फिटिंग की और सेम ऐसे ही हमको दूसरी साइड भी कर लेना है। देखिए बटन पट्टी के पार्ट को छोड़ के दूसरी साइड नापेंगे फ्रेंड्स। अपने गले में पाइपिंग लगाएंगे, गले की पाइपिंग फ्रेंड्स हम येलो कलर की लगाएंगे। देखिए जैसे हमारे स्लीव में पाइपिंग रेडीमेड पाइपिंग दी है उसी के अकॉर्डिंग। और देखिए पाइपिंग की पट्टी को नीचे रखेंगे फ्रेंड्स और इस तरह से इस पर खींचते हुए सिलाई करेंगे। पाइपिंग की पट्टी हमेशा खींच के सिलनी चाहिए, इससे हमारी पाइपिंग बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। कपड़े को नहीं खींचना है फ्रेंड्स, सिर्फ पाइपिंग की पट्टी को खींचना है। देखिए इससे पूरे गले में को पाइपिंग पट्टी लगा लेनी है और अब हम पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही बारीक पाइपिंग बैठती है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग को सिलेंगे और जितनी पतली पाइपिंग हमको बनानी है उसी के अकॉर्डिंग उंगली अपनी उंगली के सहारे से खींचेंगे फ्रेंड, तो हमारी पाइपिंग उतनी पतली बनेगी जितनी हम चाहेंगे। ये देखिए इस तरह से उंगली के सहारा देते हुए हम खींचेंगे, इसी तरह से पूरी पाइपिंग बैठा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बारीक और फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बैठी है। अब अपने ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और देखिए यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे ब्लाउज को कंप्लीट करने के लिए, और इसमें पीछे डोरी भी लगा लेंगे फ्रेंड्स जो हमने डोरी बनाई थी। देखिए शोल्डर के जॉइंट से 2.5 इंच की दूरी पे हम डोरी को टक करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने डोरी लगा ली है, हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।